नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्वेश्चन बैंक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन बताए थे टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स 5 चैप्टर 11 रे ऑप्टिक्स। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया गया है। तो यहाँ पर टॉप 5 क्वेश्चन बनेंगे नहीं मार्क्स 5 के। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि आपको बोर्ड 2021 में जरूर देखने को मिलेगा, उन तीनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर के मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है जेन्युइन कंटेंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलते रहते हैं और लेक्चर भी मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाइए। पहला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाइए एवं आवर्तन क्षमता ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, विशेष स्थितियां भी समझाइए। यानी कि आपको जो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसका जो चित्र है वो पूरा आपको समझाना है, और आवर्तन क्षमता ज्ञात करने का जो व्यंजक है वो भी समझाना है, और विशेष स्थितियां जो कि आपके दो केस हैं जब निकट दृष्टि बिंदु पर हो प्रतिबिंब वगैरह जो भी, वो दो जो केस हैं वो भी आपको समझाने हैं। तो ये कुल 5 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी आपको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका चित्र बनाइए, आवर्तन क्षमता ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, आवर्तन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है, उसका व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड 2021 में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी दोनों अच्छे से कवर कर लेना है, इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा एक और एक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बोर्ड 2021 में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड 2021 में जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है जरूर मिलेगा। 2021 बोर्ड कोष्टक में भी लिख दिया गया है कि एक वर्णी प्रकाश किरण के कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र बनाना है, कौन सा, प्रिज्म का चित्र बनाना है, और प्रिज्म कोण व न्यूनतम विचलन कोण के पदों में कांच का अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड 2021 में मिलेगा आपको, बोर्ड 2021 अभी से लिख लो अपनी कॉपी पे, 100% 5 स्टार लगा लीजिए। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको बहुत फायदा हुआ है, ये क्वेश्चन रट के जाना, यानी कि प्रिज्म पूरा रट के जाना। अगर आपको प्रिज्म के बारे में कुछ नहीं आता है तो कमेंट करना सभी, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि आपको बोर्ड में किस प्रकार इस क्वेश्चन को लिख के आना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे 5 मार्क्स देख सके। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के, इसके अलावा इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आपके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।